Welcome to my channel English Vlog. Today I'll teach the topic about The Miracle Merchant, which is a play. Firstly, I'll introduce the introduction. The Miracle Merchant is the dramatized version of Saki's short story The Hen. Basically, ये dramatized version है जो Saki की short story The Hen से है और ये काफ़ी enjoyable comedy है. It describes the efforts made by Louis Gossett to get rid of his aunt's guest Jane Marlett. और इस प्ले में जो लुईस गर्सेट है वो अपने सारे एफर्ट्स लगा देता है ताकि आंट की जो गेस्ट है जेन मार्लेट उसको उसके घर से भेज दिया जाए दूसरी गर्ल बट द नेम ऑफ हर इज डोरा उसके आने से पहले जिसके साथ उसकी काफ़ी क्वारल हुई थी. द मीन्स एम्प्लॉयड बाई हिम आर ब्रिलियंट जो भी वो वेज जो मीन्स वो यूज़ करता है इन दिस प्ले बट द अनएक्सपेक्टेड टर्न एट द एंड बीट सीम कम्प्लीटली बट द एट द एंड रिजल्ट कुछ और ही होता है. लेट्स रीड द समरी ऑफ दिस प्ले. द प्ले ओपन्स इन द कंट्री हाउस ऑफ मिसिज ब्यू विसल की जो प्ले है वो कहाँ पर हो रहा है मिसिज ब्यू विसल के कंट्री हाउस में. शी इज़ सिटिंग एट द राइटिंग टेबल वो राइटिंग टेबल पर बैठी हुई है अपना ब्रेकफास्ट कर रही है. लुईस गर्सेट हर नेफ्यू कम्स इन एंड आस्क हर वेयर मिस जेन मार्लेट इज़ और लुईस गर्सेट जो उसका नेफ्यू है वो अंदर आता है उससे पूछता है कि जेन मार्लेट कहाँ है. वो उसको बताती है कि मिस जेन मार्लेट फिनिश हर ब्रेकफास्ट अ मोमेंट बिफोर कि मिस जेन मार्लेट ने कि कुछ मोमेंट्स पहले ही अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया. लुईस इज़ हैप्पी टू बी अलोन विद हिज आंट. अब लुईस बहुत खुश है कि वो अपनी आंट के साथ इस टाइम अकेला है क्योंकि वो कुछ डिस्कस करना चाहता है और वो डिस्कस क्या करता है ही आस्क्स हर फॉर अ लोन ऑफ 15 pounds. वो उसे डिमांड रखता है कि मुझे 15 pounds का लोन चाहिए. मिसिज ब्यू विसल इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू एडवांस दिस लोन और मिसिज ब्यू विसल उसको ये लोन नहीं देना चाहती. एंड शी टेल्स हिम दैट शी हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी रिसेंटली कि उसने अभी ही बहुत मनी स्पेंड कर दी है सो शी इज़ हेल्पलेस. शी देन टेल्स हिम दैट डोरा बिथोल्स इज कमिंग ऑन थर्सडे और मिसिज ब्यू विसल उसको ये भी बताती है कि डोरा बिथोल्स जो है थर्सडे आ रही है. लुईस कहता है कि दैट द कमिंग ऑफ द डोरा बिथोल्स वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम. लुईस कहता है कि उसके अकॉर्डिंग कि अगर डोरा आती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. जेन मार्लेट विल नॉट स्टे लेस देन अ फोर्टनाइट इन मिसिज ब्यू विसल्स हाउस और जेन मार्लेट 15 दिन भी मिसिज ब्यू विसल के हाउस में रह नहीं पाएगी. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट हर आउट ऑफ द हाउस बाय थर्सडे और थर्सडे तक जेन मार्लेट को बाहर निकालना घर से पॉसिबल ही नहीं है. मिसिज ब्यू विसल डजंट नो वाई जेन मार्लेट शुड लीव हर हाउस. मिसिज ब्यू विसल को नहीं पता क्यों जेन मार्लेट अपना घर छोड़ कर नहीं जाना चाहती मिसिज ब्यू विसल का. शी बिलीव दैट जेन एंड डोरा आर गुड फ्रेंड्स वो मानती है शी कंसिडर्स कि जेन और डोरा बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं सो दे कैन स्टे टुगेदर पीसफुली. बट लुईस जो है वो ये जानता है कि जेन और डोरा दे आर बिटर एनिमीज. They have already quarreled over the high price of a hen that Dora sold to Jane. जो कि Dora ने Jane को sold की थी hen जो काफ़ी high price पे की थी इसकी वजह से इन दोनों के बीच में quarrel हो गई थी. The hen was a bronze leghorn or some such breed. The hen did not lay eggs, so they wrote abusive letters to each other. What was the incident? इसलिए ये था कि हैन जो है ब्रोंज लेग होन की या कुछ ऐसी ब्रीड की थी और हैन ने एग्स नहीं दिए थे तो इसकी वजह से उनके बीच में क्वारल होगी. तो दोनों ने एक दूसरे को लेटर्स लिखी जिसमें अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की. एज अ रिजल्ट वे दोनों दुश्मन बन गए एनिमीज बन गए. इवन देयर फ्रेंड्स फेल टू पैचअप देयर क्वारल की यहाँ तक कि उनके फ्रेंड्स भी उनमें पैचअप करने में सक्सेसफुल नहीं रहे. नाउ Mrs. Blue Whistle realizes that it would not be good to have both Jane and Dora under the same roof at the same time. और ये सब इंसिडेंट जानने के बाद Mrs. Blue Whistle ने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये ठीक नहीं होगा जेन और डोरा का एक ही टाइम पे एक ही घर पर रहना. Mrs. Blue Whistle is not in a position
टू पुट ऑफ द डोरा. और मिसिस ब्यू विसल ऐसी पोजिशन में भी नहीं थी कि डोरा को मना कर दिया जाए. शी हैज़ ऑलरेडी पोस्टपोन हर विजिट वंस. वो पहले ही एक बार उसको आने से पहले मना कर चुकी है क्योंकि शी बिलीव दैट ओनली अ मिरेकल वुड मेक जेन लीव बिफोर अ फोर्टनाइट. और उसके अकॉर्डिंग कि कोई शायद मिरेकल मीन्स चमत्कार, कोई मिरेकल ही ऐसा होगा जो जेन को 15 डेज से पहले पहले इस घर को छोड़ने के लिए कुछ कर दे. लुइस टेल्स हिज आंट दैट ही वुड ट्राई टू सप्लाई अ मिरेकल एट अ शॉर्ट नोटिस. बट लुइस जो है मिसेस विसल को ये कहता है कि वो एक थोड़े पीरियड ऑफ टाइम में भी कि मैं एक ऐसा मिरेकल कर सकता हूँ जिससे कि जेन जो है ये घर छोड़कर चली जाए. ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एन एक्सपर्ट इन मिरेकल्स. वो मानता है कि वो ऐसे मिरेकल्स करने में एक्सपर्ट है. He hopes to get 20 pounds instead of 15 from his aunt for the favor of producing a miracle. क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो सोचता है कि अगर वो जीन को बाहर निकाल दे तो एटलीस्ट मुझे अमाउंट जितने मैं चाहता हूँ उतनी मुझे अमाउंट मिल जाए. At this point, Jane enters. तभी Jane जो है एंटर कर जाती है. She takes a cup of coffee, some toast and butter just to keep Louis company. Mrs. Bewisle asks Jane to attend the McNeese Hubbard wedding on Thursday next. और Mrs. Bewisle Jane को ये भी कहती है कि तुम जाकर Thursday को McNeese और Hubbard की मैरिज अटेंड करो. She points out that St. Peter's Church where the wedding will be held is a beautiful church for the weddings. और Mrs. Bewisle Jane को ये भी कहती है कि St. Peter का चर्च जो है काफ़ी ब्यूटिफुल चर्च है जहाँ पर वेडिंग्स होती हैं. एंड जेन डज नॉट वॉन्ट टू गो फॉर अ सीलिंग वेडिंग. और जेन जो है वो इस वेडिंग पे जाना ही नहीं चाहती. शी प्रॉमिसेस टू गो एंड स्टे विद मिस हबब आफ्टर शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम हर हनीमून. और ये वो प्रॉमिस कर देती है कि वो जब हनीमून से वापस आएगी तो वह ज़रूर मिस हबब के साथ ठहरेगी. मिसेज ब्यू विसल देन गोज आउट टू डू सम गार्डनिंग. उसके बाद मिसेज ब्यू विसल गार्डनिंग के लिए बाहर चली जाती है. जेन गोज ऑन ईटिंग. लुइस आता है. स्टरिज द बटलर आल्सो कम्स टू क्लियर अवे द ब्रेकफास्टिंग्स. तभी स्टरिज आता है जो मिसेस ब्यूविसल का बटलर है. वो ब्रेकफास्ट की चीज़ें जो हैं वो क्लियर आउट करने आता है. जेन आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सम हॉट मिल्क. और जेन जो है स्टरिज को कहती है कि मेरे लिए मिल्क लेके आओ. लुइस सिट्स नियर द जेन एंड थिंक्स इट इज़ अ गुड चांस टू ट्राई हिज स्किल एट मिरेकल्स. जो उसने प्रॉमिस किया था लुइस ने मिसेस ब्यूविसल को कि जेन को निकालेगा घर से, वो जेन के पास बैठता है और वो सोचता है कि इट इज़ एन ए गुड अपॉर्चुनिटी कि अपना जो मिरेकल जो है जो उसने प्लान किया है वो उसको ट्राई करे. ही ट्राइज टू लुक सीरियस. पहले वो सीरियस होने की कोशिश करता है, फिर जेन को कहता है दैट सर्वेंट्स इन जनरल आर अ बिट ऑफ न्यूसेंस. न्यूसेंस मीन्स प्रॉब्लम. अब लुइस जो है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो सर्वेंट्स जो हैं आजकल वो प्रॉब्लम बन चुके हैं. जेन कहती है कि मिसेस ब्यूविसल इज़ वेरी लकी इन हर सर्वेंट्स कि मिसेस ब्यूविसल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. फॉर एग्जांपल स्टरिज हैज़ बीन विद हर फॉर सेवरल इयर्स विदाउट गिविंग हर एनी ट्रबल. और स्टरिज उनके साथ इतने सालों से है और उनको कोई भी ट्रबल नहीं दे रहा. शी थिंक्स दैट ही इज अ ज्वेल एज अ बटलर. लुइस सेज दैट सर्वेंट्स बिकम ट्रबलसम व्हेन दे स्टे विद अ पर्सन फॉर सेवरल इयर्स. अकॉर्डिंग टू लुइस कि जो सर्वेंट्स हैं वो उनके लिए न्यूसेंस बन जाते हैं, ट्रबलसम बन जाते हैं जब एक ही पर्सन के साथ वो सेवरल इयर्स के साथ रह रहे होते. दिस इज़ ट्रू इन द केस ऑफ स्टरिज. अकॉर्डिंग टू लुइस की स्टरिज के केस में भी ऐसा ही. जेन कैन नॉट बिलीव दैट द एक्सलेंट स्टरिज कुड नेवर एवर बी अ न्यूसेंस. और जेन जो है इस बात का यकीन नहीं करती कि स्टरिज भी ऐसा एक प्रॉब्लमेटिक पर्सन बन सकता है. Louis says that the excellence of Sturridge has produced a harmful effect on him. Louis says that the excellence of Sturridge has produced a harmful effect on him. He is of the view that servants doing the same type of routine duties are likely to get some rogue ideas in their heads. According to Louis, कि servants जब daily routine की duty करते रहते हैं तो उनके दिमाग में रोंग ideas create होने शुरू कर जाते हैं. They could even become even mad, जहाँ तक वो पागल भी हो जाते हैं. Jane says that Sturridge has not gone. जेन के अकॉर्डिंग स्टरिज जो है वो मैन नहीं है. लुइस अग्रीज दैट स्टरिज इज़ कम्प्लीटली रिलायबल ऑन मोस्ट पॉइंट्स. लुइस के अकॉर्डिंग वो ये अग्री करता है कि जो स्टरिज है वो कम्प्लीटली रिलायबल है कुछ जो पॉइंट्स वो बता रहा है. बट ही इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू द मोस्ट ऑब्स्टिनेट डिल्यूजन्स. अकॉर्डिंग टू लुइस कि वो एक ऐसा पर्सन बन चुका है कि उसके अंदर डिल्यूजन जैसे भ्रम हो जाता है वैसे वो बन चुका है. जेन वॉन्ट्स टू नो द टाइप्स ऑफ डिल्यूजन. वो किस तरह से के डिल्यूजन्स फ्रॉम विच स्टरिज सफर किस स्टरिज के अंदर आते हैं.
Louis says that his delusions generally center round someone staying in the house. और उसके मन में delusions ऐसे आते हैं कि जब कोई भी person उसके घर में आके रहने लग जाता है तो उस तरह के delusions जो है वो feel करता है. Once Sturridge took it into his head that Matilda Shringham who was here last summer was the prophet's Elijah. तो वो example देता है कि जेन को कि एक बार क्या हुआ था. तो स्टरीज जो है उसने अपने माइंड में ये रख लिया कि मटिल्डा श्रिंगम जो है वो लास्ट समर जो है थी वो एक प्रॉफिट एलिजा है. ही वॉज एंग्री विद हर तो उसके साथ गुस्सा हो गया. ही डिड नॉट अलाउ एनी टी टू बी सेंट अप टू हर इन द मॉर्निंग. और जब नेक्स्ट मॉर्निंग आई यहाँ तक उसने उसको टी भी प्रोवाइड नहीं की. ही कम्प्लीटली इग्नोर्ड हर वाइल ही वॉज हैंडलिंग राउंड द डिशेज एट द टेबल. और जब वो डिशेज एट द टेबल हैंडलिंग मतलब कर भी रहा था उसको तो उसने हर टाइम एट द ब्रेकफास्ट वो इग्नोर करता रहा. सो पुअर मटिल्डा हैड टू कट शॉर्ट हर विजिट. मतलब जो जितने दिनों के लिए आई थी तो उसने वो विजिट जो है कम कर दी. जेन सेज दैट इफ शी हैड बीन मटिल्डाज प्लेस. तो जेन के अकॉर्डिंग अगर मैं मटिल्डा की जगह होती तो मैं वहाँ से ना जाती. शी शुड हैव प्लीज द बटलर. इन समय में किसी ना किसी तरह से बटलर को खुश कर देती. लुइस कहता है इट इज़ नॉट ऑलवेज वाइज टू ह्यूमर. कि हमेशा ही ऐसे लोगों पर हंसना इंटेलिजेंस नहीं होती. व्हेन दे गेट दीज आइडियाज़ इनटू देयर हेड्स. जब उनके माइंड में ऐसे आइडियाज़ आ रहे होते हैं सच पीपल कुड बिकम वेरी डेंजरस. ऐसे लोग डेंजरस भी हो सकते हैं. डेंजर जेन डज नॉट बिलीव द स्टरेज कुड बिकम वेरी डेंजरस. जेन के अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता कि हाँ स्टरेज जो है डेंजरस हो सकता है. लुइस सेज दैट वन कैन नेवर बी सर्टेन. लुइस के अकॉर्डिंग कोई भी एक पर्सन जो है उसके अंदर सर्टेनिटी नहीं होती. मतलब एक तरीके से नहीं रह सकता. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही गेट सम आइडियाज अबाउट अ गेस्ट विच माई टेक एन अनफॉर्चुनेट टर्न. लुइस ये कंसीडर करता है कि समय के साथ उसके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ आ जाते हैं जो भी गेस्ट उसके घर में रहने आता है तो उसके एज ए रिजल्ट वो कुछ डिफरेंट सोचने लग जाता है. दिस सर्टनली वरीज हिम एट द प्रेजेंट मोमेंट. जेन आस्क लुइस इफ स्टरेज हैज़ गॉट सम फिक्स्ड आइडिया अबाउट हर. जब ये ऐसी बातें लुइस ने उसके साथ की तो इस टाइम जो है वो थोड़ी वरीड हो गई और उससे पूछा भी स्टरेज के माइंड में तो नहीं कुछ मेरे लिए आइडियाज़ चल रहे. लुइस सेज दैट ही हैज़ हाँ उसके माइंड में चल रहे हैं. ही थिंक्स दैट जेन इज़ अ घोस्ट ऑफ क्वीन एनी. उसके अकॉर्डिंग जो जेन है वो क्वीन एनी का घोस्ट है. हु डाइड लॉन्ग बिफोर जो बहुत पहले मर गई थी. व्हेन स्टरी सीज जेन ईटिंग. और जब स्टरी देखता है कि जेन खा रही है एंड लिविंग हैप्पीली इन द हाउस शी ही फील्स अपसेट. वो जब उसको देखता है कि वो खुशी से रह रही है तो वो अपसेट फील करता है. ही फील्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर. उसके अकॉर्डिंग कुछ तो गलत हो. This makes Jane anxious. She asks Louis if Sturridge would turn deadly against her on that account. तो लुइस की बातों से उस जेन सोचने लगती है कि क्या एक्चुअल में स्टरेज है जो उसके लिए के अगेंस्ट हो जाएगा इस बात पर. लुइस उसको कहता है कि दैट ही हैज सीन हिम लुकिंग फ्यूरियसली. फ्यूरियसली मतलब एंगरी. लुइस उसको कहता है कि मैंने उसको गुस्से में देखा है एंड मटरिंग समथिंग अबाउट द नाइट बिफोर. और एक रात पहले उसके बारे में मैंने कुछ बोलते हुए भी देखा है. ही हैज़ हर्ड हिम से दैट शी शुड हैव बीन डेड लॉन्ग अगो एंड दैट ही वुड सी टू इट. दैट इज़ वाई ही हैज़ मैंशन द मैटर टू हर. ही उसके अकॉर्डिंग मैंने सुना है कि शी शुड हैव बीन डेड लॉन्ग अगो एंड दैट ही वुड सी टू इट. दैट इज़ वाई ही हैज़ मैंशन द मैटर. कि उसको ऐसे लगता है. लुइस जेन कहते हैं कि उसके लगता है कि वो इसके लिए डेडली हो जाएगा इसलिए ये मैटर जो है मैंने तुम्हें बताया है. जेन वॉन्स एंड मिसेज ब्यू विसल शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस इमीडिएटली. और जेन ऐसा ये चाहती है कि मिसेज ब्यू विसल को भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. पर लुइस कहता है कि वो अपसेट हो जाएगी क्योंकि वो पूरी तरह से स्टरेज के ऊपर डिपेंड है हर चीज़ के लिए. जेन फियर्स दैट स्टरेज माइट किल हर एनी मोमेंट. अब स्टरेज जो है उसको किसी भी मोमेंट में मार सकता है. जेन को डर लगने लग जाता है. इट इज़ डेंजरस टू बी इन द कंपनी ऑफ अ मैड बैटलर. उसको लगता है कि एक पागल बटलर की कंपनी में रहना काफ़ी डेंजरस हो सकता है. लुइस टेल्स जेन दैट इट इज़ ओनली अ टेम्परेरी मैडनेस. बट उसको कहते हैं ये सिर्फ टेम्परेरी के लिए होता है. इफ़ शी कट्स शॉर्ट हर विजिट एंड कम्स टू देम सम टाइम लेटर इन अ ईयर ही माइट फॉरगेट ऑल अबाउट क्वीन एनी. और लुइस कहते हैं कि अगर वो इस बार चली जाती है और काफ़ी थोड़े देर बाद आती है तो शायद वो इस बार वो थोड़ी देर बाद जब आने के बाद वो क्वीन एनी के घोष के बारे में भूल जाएगा. जेन डज नॉट वॉन्ट टू कट शॉर्ट हर विजिट. पर जेन जो है वहाँ से जाना नहीं चाहती. शी आस्क्स लुइस टू कीप एन आई ऑन स्टरीज एक्टिविटी.
जेन लुईस को कहती है कि स्टडीज की हर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दो एंड डू समथिंग टू पुट अ चेक ऑन हिज वायलेंस, कि कुछ ऐसा करो कि उसके जो वायलेंट होने को रोका जाए। शी गोज आउट टू राइट सम लेटर्स इन द मॉर्निंग रूम, तो वो मॉर्निंग में कुछ लेटर्स लिखने के लिए चली जाती है। लुईस थिंक्स दैट जेन इज अ स्ट्रेंज टाइप ऑफ वुमन, इतना कुछ कहने के बाद जूद भी जेन के ऊपर जब कोई असर नहीं हुआ तो लुईस सोचता है कि जेन वाकई एक स्ट्रेंज टाइप ऑफ वुमन है। एट दिस टाइम मिसेज ब्लू विसल कम्स इन, तभी क्या होता है, मिसेज ब्लू विसल अंदर आ जाती है। शी बिगन्स टू लुक फॉर हर गार्डनिंग ग्लव्स, और वो अपने लिए गार्डनिंग ग्लव्स देख रही है, ढूंढ रही है। शी आस्क लुईस हाउ इज मेरिकल इज वर्किंग, तो वो लुईस से पूछती भी है, अच्छा तुम्हारा मेरिकल कैसे चल रहा है। लुईस टेल्स हर दैट जेन डज नॉट वॉन्ट टू लीव, तो वो लुईस मिसेज ब्लू विसल को कहते हैं कि जेन जो है वो घर छोड़कर जाना नहीं चाहते। Mrs. Blue Whistle tells Louis that she wanted to tell him that he was doing something fruitless and that Jane would not leave. और Mrs. Blue Whistle Louis को कहती है कि जो भी तुम कर रहे हो उसका कोई असर नहीं होगा, it will be fruitless, और Jane जो है वो यहाँ से नहीं जाएगी। Then she goes through the window on the right, और फिर उसके बाद वो window साइड चली जाती। स्टरेज कम्स इन टू क्लियर अवे द ब्रेकफास्टिंग, तभी स्टरेज आ जाता है और ब्रेकफास्ट की सारी चीज़ों को उठाने आ जाता है। लुईस गेट्स बिजी इन क्लीनिंग द गोल्फ क्लब, ही टेल्स द स्टरेज टू टेक द ओल्ड बास्केट हिल्टेड स्वॉर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल टू मिस जेन मार्लेड एज शी वॉन्ट्स टू कॉपी द इंस्क्रिप्शन ऑन इट्स ब्लेड। तभी जो है लुईस स्टरेज को कहता है कि तुम ओल्ड बास्केट हिल्टेड में एक स्वॉर्ड, ही आस्क्ड स्टरेज टू पुट द स्वॉर्ड बैक इन द शीट, वो स्टरेज को कहती है कि स्वॉर्ड को वापस शीट में डाल दे। ही वुड कॉपी आउट द इंस्क्रिप्शन फॉर हिमसेल्फ लेटर, कि वो ये काम जो है बाद में भी किया जा सकता है। स्टरेज कैरीज अ ब्रेकफास्ट ट्रे एंड लीव्स, और स्टरेज जो है ब्रेकफास्ट ट्रे कैरी करता है और वहाँ से चला जाता है। द पेज बॉय कम्स रनिंग डाउन स्टेयर एंड आस्क द टाइम टेबल एज मिस जेन वॉन्ट टू लुक आउट फॉर अ ट्रेन, और पेज बॉय जो है भागता हुआ आता है नीचे और टाइम एंड आस्क द टाइम टेबल, और टाइम टेबल के बारे में पूछता है कि मिस जेन मॉर्नर जो है ट्रेन के लिए देख रही है कि उसने वहाँ से जाना है। लुईस हेल्प्स द पेज इन फाइंडिंग द टाइम ऑफ द ट्रेन, और लुईस जो है उसकी हेल्प करता है ट्रेन का आने का टाइम फाइंड आउट करने में। इट इज़ लर्नड फ्रॉम द टाइम टेबल दैट द ट्रेन डिपार्ट्स एट 11:55, और ये पता चलता है कि ट्रेन जो है यहाँ से 11:55 पे डिपार्ट करेगी। ही गोज़ टू द ड्राइवर टॉमकिंस एंड आस्क्स हिम टू ब्रिंग द कार क्विकली, तो वो ड्राइवर टॉमकिंस के पास जाता है कि फटाफट कार लेकर आओ। द पेज कम्स डाउन स्टेयर अगेन टू फेच मिस जेन मार्लर्स गोल्फ क्लब्स, लुईस गिव्स हिम हर कैप एंड द मोटर व्हील एज वेल, और जितना भी उसकी थिंग्स थी वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसको पकड़ा देता है। फॉर अ नॉवल ऑफ हर्स ही गिव्स द पेज ऑल द सिक्स बुक्स लाइंग ऑन द शेल्फ, उसका नॉवल उसकी बुक्स, एंड ही गोज़ राउंड द रूम क्विकली टू सी इफ एज एनी ऑफ मिस जेन्स बिलोंगिंग्स आर लेफ्ट, और फटाफट वो रूम में जाता है कि मिस जेन की कुछ चीज़ें जो रह तो नहीं गई। ही लुक्स एट हिज वॉच एंड इन द मीन टाइम द कार कम्स, और वो घड़ी की तरफ देखता है और तभी कार आ जाती है। लुईस देन गोज़ टू इन्फॉर्म मिस जेन अबाउट द अराइवल ऑफ द कार, और लुईस जो है मिस जेन को बताता है कि कार आ चुकी है। ही देन सेंड्स द स्टरेज टू टेल हिज आंट इन द गार्डन दैट मिस मार्लेट इज इन हरी टू गो एंड कैन नॉट स्टॉप टू से गुड बाय, और ही देन सेंड द स्टरेज को कहता है कि उसके आन को जाके कह दे कि मिस मार्लर जो है वो बहुत जल्दी में थी और वो जा रही है, और उसके लिए गुड बाय कहने के लिए भी टाइम। स्टरेज लीव्स, स्टरेज चला जाता है। प्रेजेंटली मिसेज ब्लू विसल कम्स इन, मिसेज ब्लू विसल तभी अंदर आ जाती है। शी इज़ कैरिंग अ लेटर इन हर हैंड, उसके हाथ में एक लेटर है। इट इज़ फ्रॉम डोरा, जो कि डोरा की तरफ से है। शी कॉल्स द लुईस, और लुईस को बुलाती है। द साउंड ऑफ द कार इज़ हर्ड, तभी कार की आवाज़ सुनाई देती है। लुईस रशेस इन, और लुईस जाता है। एंड ही आस्क्स हिज आंट हाउ मच शी वुड लेट हिम इफ शी गॉट रिड ऑफ जेन मार्लेट, अब जेन के जाने के बाद अब वो उसको कितनी मनी देगी। मिसिस ब्लू विसल टेल्स लुईस दैट दे डू नॉट नीड टू गेट रिड ऑफ जेन मार्लेट, और मिसिस ब्लू विसल लुईस को कहती है कि अब हमें जेन को भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज डोरा इज़ नॉट कमिंग। लुईस फील्स sad and he sinks into the chair, his hope of getting a loan of 20 pounds is shattered, ab uska jo hope thi aur dream tha loan lene ka 20 pounds ka wo khatam ho gaya। agar aapko ye chapter samajh aaya ho to please mere channel ko like kijiyega aur subscribe kijiye, thank you। present